जामनगर मनपामां बजेटी चर्चा दरमियान भाजपना कोर्पोरेटर केशु माडमे विपक्षना कोर्पोरेटर ने पक्षपलटो करीने भाजपमां आवा आमंत्रण आप्युं। तेमणे कह्युं कि जेवी रीते मनपामां व्याज माफीनी स्कीम छे तेवी रीते पक्षमां आवा माटे 8 महिनानी आमां पण स्कीम छे। केशु माडमे आवी कहीने कोंग्रेसना सभ्योने भाजपमां जोडावा माटे खुली ऑफर करी हती। दाहोद जिल्लामां बोगस प्रमाणपत्रने लईने आदिवासी सभाथी साथे आम आदमी पार्टी विरोध कर्यो। राज्य सरकारना दंडक अने फतेपुराना एमएलए रमेश कटारा होवा छतां आदिवासी समाज साथे अन्याय थता होवाना विरोधमां सूत्रोच्चार करी फतेपुरा खाते विरोध प्रदर्शन कर्यो। कोरोना संक्रमण घटता बे वर्ष बाद राज्यमां सोमवारथी शाळाओ संपूर्णपणे ऑफलाइन शुरू थशे। राजकोटना शाळा संचालकोए संपूर्ण तैयारी शुरू करी दीधी। शाळा संचालक अजय पटेले कह्युं कि शाळाओमां एसओपीनुं पालन करावामां आवशे। बे वर्षथी मास प्रमोशन मळतुं होवाथी बाळकोनी परीक्षा अने शाळानो डर दूर कराशे। तो वडोदरामां पण सोमवारथी ऑफलाइन शिक्षण शुरू करवाना सरकारना निर्णयनो विरोध। पेरेन्ट्स एसोसिएशनी सरकारना निर्णयनो विरोध करी जिल्ला कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्युं। ऑफलाइननी साथे ऑनलाइन शिक्षण चालू राखवानी वात करी। सोमवारथी शाळाओमां ऑफलाइन शिक्षण शुरू थता अमदावादमां युनिफॉर्मनी खरीदीमां उछाळो आव्यो। फक्त बे महीना बाद शाळाઓમાં વેકેશન પડી ગયું હોવા છતાં યુનિફોર્મની માંગમાં 50% જેટલો વધારો। કેટલીક સ્કૂલોએ નવા યુનિફોર્મ ખરીદવાની ફરજ પાડતા વાલીઓએ ન છૂટકે કરવી પડી છે ખરીદી। શાળાઓ શરૂ કરવાની જાહેરાતથી જ વેપારીઓમાં ખુશીનો માહોલ। સ્કૂલ યુનિફોર્મ અને ચોપડાની ખરીદી કરવા દુકાનોમાં ભીડ જોવા મળી। બે વર્ષ બાદ વેપાર થતા વેપારીઓ ખુશ જોવા મળ્યા। સ્કૂલ શરૂ થતા જ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। બાળકો હવે સ્કૂલે જવા આતુર બન્યા છે। जूनागढ़ में राष्ट्रीय कक्षा की आरोहण अवरोहण स्पर्धा प्रारंभ। 449 स्पर्धकों भाग लीधो। अलग अलग राज्यों में स्पर्धकों पहुंचा। सीनियर और जूनियर एम बे टीम वच्चे आ स्पर्धा। आ तरफ कोड़ी ठाकुर समाधि पर मांग छे। जूना सचिवालय स्थित कोड़ी ठाकुर निगम में रजूआत करी। निगम में राज्य और केन्द्र सरकार 15-15 करोड़ ग्रांट फाड़वे छे। लोन और वचेटियाओं की हैरानगति दूर करने की मांग करी। अमदावाद महानगरपालिकाए सोलार सिस्टम तेमज पवनचक्की पाछळ करोड़ों रूपियानो खर्च कर्यो होवा छतां वीजबिलमां वधारा थयानो आक्षेप छे। सरकारी वीजबिल घटाडवा माटे लागू करेली सोलार योजना मात्र कागळ पर होवानो विपक्षनो आक्षेप। तो सत्तापक्षे विपक्षना आक्षेपोने फगावी दीधा। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના નેતા નીરવ બક્ષીએ બીઆરટીએસના હિસાબમાં ગોટાળાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો। એએમસીના વિપક્ષના ઉપનેતા નીરવ બક્ષીનો આરોપ છે કે બીઆરટીએસ આવક જાવકના હિસાબમાં કરોડોનો ખર્ચ કરાયો પરંતુ તેનો યોગ્ય હિસાબ ન હોવાનો આક્ષેપ। જ્યારે બીઆરટીએસના સેલ્ટરની સફાઈ પાછળ રૂપિયા 25.34 કરોડનો ખર્ચ કરાયો હોવાનો દાવો। બીજી બાજુ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેને તમામ આરોપોને ફગાવ્યા। અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજ પર વર્ષમાં चौथू गाबड़ू पड़ता कोर्पोरेशन की कामगिरी पर सवाल उठा। 2017 में बनावेला ब्रिज 5 वर्ष समयगाड़ा पहला ब्रिज कांकरा खरवा मांडता बांधकाम की बेदरकारी सामे आवी। हाल तो ब्रिज की आरपार गाबड़ा रिपेर कराया है परंतु हाटकेश्वर ब्रिज जनता माटे मौतनु कारण पण बनी शके छे। अमदावाद महानगरपालिका की बजेट विशेष सभा में रस्ता भ्रष्टाचार मुद्दे सत्तापक्ष और विपक्ष सामसामे। विपक्ष नेता शहजाद खान पठाने कमिटी चेयरमैन महादेव देसाई सामे आक्षेप किया। शहर में रोड मुद्दे कोई मॉनिटरिंग न थतो होवाना तेमज हल्की गुणवत्ता कामों थता होवाना गंभीर आक्षेपों विपक्षे लगाव्या।